नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम मौजूद हैं झंग के पुराने बाज़ार में। ये आप इमारतें देख सकते हैं और रामनाथ टेंपल जो है वहाँ मौजूद हैं। आपको दो तीन चीज़ें बताना भूल गए थे। पहले आप देख लें मलिक यासीन ढब को, इंग्लिश लेक्चरर, यूनिवर्सिटी ऑफ झंग। आपको बताना ये था कि ये जो रामनाथ साहब हैं, इनकी फैमिली आप इंडिया में कहाँ है? इनकी फैमिली इंडिया में रोहतक के इलाके में है। और आपको आप टेंपल दिखाते हैं और साथ इनकी बताते हैं कि इनकी फैमिली की बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी झंग में। उसके साथ साथ अब जो इंडिया में हैं वहाँ इनकी लालनाथ गद्दी अब भी चल रही है, जो कि एक ट्रस्ट की सूरत इख्तियार कर चुकी है। और गद्दी के मेम्बरान हैं और मुख्तलिफ अहदेदार हैं। मेम्बरान की वोटिंग से लालनाथ सोसाइटी का चेयरमैन मुंतखब होता है और मुख्तलिफ अहदेदारान की मशावरत से मुख्तलिफ अमूर सार अंजाम देता है। रोहतक में ही लालनाथ सोसाइटी ने वहाँ लालनाथ बॉयज़ स्कूल और लालनाथ गर्ल्स स्कूल जो है कायम किया हुआ है। और ये टेंपल की आपको बैक साइड का व्यू दे रहे हैं। आपने पहले फ्रंट देखा है और यहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो भी आपको दिखाता हूँ और बैक साइड से भी आपको दिखाता हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मैं टेंपल के अंदर ऊपर वाले हिस्से में जा सकूँ। ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये अब वक्त के लिहाज से मिट चुकी हैं। जगह तो ख़तरनाक है, लेकिन करीब से दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये 1638 में ये मंदिर जो है पहली मरतबा मार्ज वजूद में आया। इसको तामीर किया रामनाथ साहब ने, बाबा नाथ साहब ने। और इसके साथ ही मस्जिद है, उसको लाल मस्जिद कहा जाता है। अब नाम से तो ऐसे लगता है शायद ये मस्जिद भी, जगह भी नाथ साहब ने ही डोनेट की होगी। ये देखें, ये भी मूर्तियां हैं, ये बैक साइड पे हैं। और हमने अपनी कोशिश के मुताबिक यहाँ से सफाई करने की कोशिश की है ताकि मंदिर को जो पानी और चीज़ों के ज़रिए नुकसान होता है वो कम अज़ कम हो। ये बैक का व्यू है। 1638 में बताया जाता है इसको पहली दफ़ा तामीर किया गया था, जब झंग में चौथा सैलाब आया था उसके बाद, और नाथ साहब ने इसको तामीर किया था। तो नाथ जो है आपको बताया है कि इंडियन कल्चर का लफ्ज़ है, सरनेम के तौर पे यूज़ होता है। और ये देखें, इसका तीसरा पार्ट आपको नज़र आ सकता है। ये देखें और पुरानी बिल्डिंग्स, ये एक पूरा कम्प्लेक्स था 17 कनाल में। जी, तो ये एक पूरा कम्प्लेक्स था 17 कनाल में। अब ये जगह जो है मुख्तलिफ लोगों ने हायर कर ली हैं। ये नीचे आपको झंग का बाज़ार दिखाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन छतें बहुत बोसीदा हैं तो इससे हम खुद भी गिर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये सारा बाज़ार है। ये ओल्ड झंग है दोस्तों, और झंग के चार दरवाजे हुआ करते थे। ये सामने जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये पुरानी, और बिल्कुल सामने जो है वो नानकशाही ईंट से बनी हुई मसाजे इमारत हैं। और ये वो लाल मंदिर है और लाल मस्जिद है, लाल मंदिर के साथ ये रिलीजियस हारमनी का एक बहुत बड़ा जो है सबूत। और ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ये भी पुरानी है, लेकिन ये नानकशाही ईंट से नहीं बनेंगे। और बिल्कुल वो सामने देखें, वो आपको एक बिल्कुल सामने देखें, इस पोल के बिल्कुल सामने वो अभी तक चबूतरा मौजूद है, वो भी नानकशाही ईंट से बनाया गया है। कोशिश करते हैं वहाँ जाते हैं और आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले कोशिश करेंगे कि इस टेंपल की ऊपर वाली बिल्डिंग में आपको कुछ चीज़ें हैं वो दिखाएं, और वो इस वीडियो के थर्ड पार्ट में आपको मिलेंगी। पहले पार्ट में हमने फ्रंट और इंटीरियर दिखाया है, सेकंड पार्ट में आपको बैक साइड दिखाई है, थर्ड में आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लोगों तक शेयर करके पहुँचाइए। नेक्स्ट पार्ट के तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।